Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है। मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है ये भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। देवी सरस्वती, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मुझे ज्ञात है भोलेनाथ, आपको ऐसा करने में पीड़ा हो रही है, किंतु यह आवश्यक है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना स्वामी? भ्राता नारायण, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव सभी ने बहुत मन से भोजन किया। सभी बहुत प्रसन्न हुए, है ना नाथ? हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है आप क्या कहना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं भी भोजन करने ही जा रही हूँ। उचित है उमा, तो मैं ध्यान में बैठता हूँ। आप इन पात्रों को वहां रख दीजिए। नंदी जी, सभी गणों को भोजन दे दिया ना? जी माता, दे दिया है। और पशुओं को? माता, उन्हें भी भोजन दे दिया है। उचित है, तो नंदी जी अब आप भी भोजन कर लीजिए। उचित है माता। माता, सदैव के समान महादेव की थाली आपके लिए रख दी है, आप भी भोजन कर लीजिएगा। जी। नमः शिवाय। इतना स्वादिष्ट भोजन है कि मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। देवी सरस्वती, मैं अपनी थाल कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपनी थाल में जो छोड़ देते हैं, मैं वही ग्रहण करती। ये क्या? स्वामी ने मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रखा? ये तो असंभव है। अवश्य नंदी जी से कोई भूल हुई होगी, उन्होंने यहाँ कोई और थाल रख दिया होगा। Thank you.
मैंने सबको भोजन कराया किंतु मेरे लिए भोजन नहीं था, और तो और महादेव ने भी मेरे लिए भोजन शेष नहीं छोड़ा। मेरी भूख के कारण मेरा क्रोध अपने चरम पर था। रसोई में तो अन्न का एक दाना भी शेष नहीं। मुझे इतनी भूख लगी है और यहाँ तनिक भी भोजन नहीं है। बहन पार्वती, प्रातः नारायण, आप यहाँ? हाँ, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आपने हम सबको इतना स्वादिष्ट भोजन करवाया किंतु स्वयं कुछ नहीं खाया। किंतु आपका भ्राता होने के नाते मैं केवल ये देखने आया था कि आपने कुछ ग्रहण किया अथवा नहीं। नहीं भ्राता, देखिए ना, महादेव को भली भांति ज्ञात है कि मैं उन्हीं की थाल से खाती, फिर भी उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? सर्वथा अनुचित किया महादेव ने। महादेव आपके पति हैं, पति भर्ता होता है, और पति का दायित्व होता है कि वो अपने पत्नी का भरण पोषण करे। इसलिए महादेव से मांग करने का, उनसे पूछने का कि उन्होंने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया, आपका अधिकार है। एक पत्नी अपने पति के लिए सर्वस्व निछावर कर देती है। आपको स्मरण है ना कि देवी लक्ष्मी ने मुझसे पूर्व भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया था। आपने इतना सब कुछ किया किंतु महादेव ने यह सुनिश्चित किए बिना कि आपने भोजन किया अथवा नहीं, वो ध्यान में चले गए। सर्वथा अनुचित किया महादेव ने। एक पति का दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, और यदि महादेव ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो उनसे क्रोधित होने का, उनसे प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार है आपका। आप उचित कह रहे हैं भ्राता नारायण, मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ और महादेव को मेरे तनिक भी चिंता नहीं। मेरे लिए भोजन क्यों नहीं छोड़ा स्वामी, इतना अनुचित क्यों किया उन्होंने, ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं भूख से व्याकुल हो रही। ये क्या नाथ, मुझे आपके पत्नी को भोजन का एक निवाला भी प्राप्त नहीं हुआ और आप यहाँ निश्चिंत होकर ध्यान मग्न बैठे। आपने भोजन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित किया जिसकी सारी व्यवस्था मैंने की, उनके लिए भोजन पकवाए और मुझे तनिक भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, और इससे अनभिज्ञ यहाँ शांति पूर्वक आप ध्यान कर रहे हैं। मांग की थी कि आप अपने भोजन में से मेरे लिए थोड़ा सा भोजन शेष रखें, किंतु क्या ऐसा किया आपने? नहीं, आपकी पत्नी भूखी है नाथ, मैं आपके आहार का पूर्ण ध्यान रखती हूं, किंतु क्या आप भी ऐसा करते हैं? उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा? उचित है,
यदि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी। वैसे भी जगत जननी हूँ मैं, संपूर्ण जगत का ध्यान रखती हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। सनस्ताम भक्ता विष्ट प्रदात्रिम सुर निकर करा सेव्य कंजांजु युगमाम नीलाम भोजाम सुखांति। जाने के लिए मैं क्या कर बैठी? अपने अपने स्वामी को ही निकल गई। परिवर्तन आया, महादेव से रिक्त मैं एकाकी रह गई। मेरे समस्त आभूषण, सजग रेशमी वस्त्र आदि क्षीण हो गए और मैं हो गई कठोर, निर्मम, तटस्थ। और फिर जब मुझे समझ आया कि मैं क्या कर बैठी हूँ, तो मैं अपने ही अपराध बोध से ज्वलित हो उठी और पश्चाताप की उस अग्नि से मेरा तन वाष्प बन उठा।
स्वामी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं क्रोधवश में ये क्या कर बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए। उमा, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम था। उमा, आप जगत जननी हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है। इसीलिए अभी तक आपकी महाविद्या स्वरूप सृजन और पालन हेतु प्रकट हुए, किंतु अपनी संतानों को दंडित करने के लिए अपनी संतानों का मोह नहीं त्याग सकी आप, क्योंकि आप एक माँ, एक पत्नी, एक सखी और एक बहन हैं। इन सभी संबंधों के मोह के कारण दंड देना आपके लिए कठिन हो जाता है, किंतु आपके इस रूप में अपनी भावनाओं को तजकर आप न्याय करने में असमर्थ नहीं रहेंगी। किंतु प्रभु, मेरे प्रत्येक रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। ये मेरा प्रथम रूप है जिसमें मुझे आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। क्या इसीलिए इतनी कठोरता उत्पन्न हो गई मुझ में? भले ही आपका मोह मात्र मेरे लिए ही हो, किंतु उससे आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपके इस रूप में आप पुरुष शून्य होंगी, अर्थात मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि इस रूप में आपकी आसक्ति मात्र न्याय के प्रति हो सकती है। जो न्याय करता है उसका किसी भी मोह अथवा संबंध से प्रेरित और प्रभावित होना उचित नहीं। उमा, आप अपने इस रूप में संसार को बुरे कर्मों के फल स्वरूप अकाल, महामारी, दुख, कलेश आदि का दंड देंगी। आपके स्वरूप में आप धूम्र बनकर भी प्रकट होंगी, इसलिए संसार आपके स्वरूप को धूमावती के नाम से जानेगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती, हम ये लीला करने पर बाध्य हो गए थे जिससे आपका सप्तम महाविद्या स्वरूप प्रकट हो सके। देवी पार्वती, आप देवी धूमावती रूप में सदैव श्रेष्ठ न्याय करने का अति आवश्यक दायित्व निभाएंगी, क्योंकि जब बुराई के पथ पर चलने वाले अपने जीवन काल में दंडित होंगे तो वह स्वयं को सुधार कर अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने को प्रेरित भी होंगे। उमा, हमें ज्ञात है आपका 16 श्रृंगार आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सुमंगली कड़ियां आपके केश की चोटियां, सिंदूर आपके शीश को सुशोभित करने वाले पुष्प, मंगलसूत्र, बिछियां, इन सभी का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं हम, और उससे भी अधिक आपको मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए आपको यह अवतार लेना ही होगा। आपने तो सदा सृष्टि को अपने से ऊपर रखा है, इसलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप एक बार पुनः संसार के कल्याण के लिए ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय। स्वामी, आप मुझे जिस विरक्त और दारुण अवतार को धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो मेरे लिए सरल नहीं है, किंतु यदि संसार के कल्याण के लिए आप हलाहल विष का पान कर सकते हैं तो मैं भी अपनी संतानों की भलाई के लिए ये अवतार धारण करने का प्रयास करूंगी। मुझसे दूर रहना तो आपके लिए भी सरल नहीं होगा नाथ, किंतु यदि मुझे निष्पक्ष होकर न्याय करने हेतु ये पुरुष शून्य अवतार लेना होगा तो मुझे ये भी स्वीकार है।
मुद्गलिकया जापमाला जयंती मध्याह्ने प्रौढ़रूपा विकसित वदना चारुनेत्रा निशायां संध्यायाम वृत्तरूपा गलित कुचयुगा मुंडमालां वहंती सदेवी देव देवी त्रिभुवन जननी कालो कपातु युष्मा। बाहर के शत्रु का सामना तो व्यक्ति कर सकता है, किंतु अंतर में ही दोष हो तो उसका निवारण आपकी कृपा और सहायता से ही हो सकता है, किंतु इसके लिए आपने अपना कौन सा रूप धारण किया माता? ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप और उसके कार्य से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि त्याग एक बड़ा धर्म है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.